Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। तो जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था आपका सेल एंड देयर पार्ट्स यानी कोशिका और उसके प्रकार। तो ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट टू है। ये आपका क्या है, पार्ट टू है। और इस पार्ट के अंदर हम बाकी बचे हुए सेल्स के बारे में देखेंगे। एक बार अगर मैं रिवाइज करवा दूँ तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारे घर में दीवार होता है ना, दीवार का काम क्या होता है, घर को संरचना देना। तो सेल वॉल का भी काम क्या होता है कि हमारे सेल को क्या करना, संरचना प्रदान करना, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेलुलोज का बना हुआ होता है ना, किसमें पाया जाता है, तो पादप में पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या होता था, हमारे जो स्किन होता है या फिर एनिमल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उस, वो एक इसका एग्जांपल है, सेल मेम्ब्रेन का एग्जांपल, जिससे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। किसका बना होता है, तो प्रोटीन और फैट का बना हुआ होता है, ठीक। तीसरा हमने माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ा था। माइटोकांड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकांड्रिया के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर अगर हम माइटोकांड्रिया की बात करें तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। फिर अगर हम बात कर लें माइटोकांड्रिया के बारे में, तो इसे एटीपी मिल कहा जाता है। क्यों एटीपी मिल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो माइटोकांड्रिया है यह एनर्जी को स्टोर करके रिलीज करता है, यानी इकट्ठा करके क्या करता है, पूरा संचार करता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, इसलिए इसे एटीपी मिल भी कहा जाता है। इसे एसडीओ के नाम से भी जाना जाता है। एसडीओ क्या होता है, तो सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म यानी कि खुद के जैसे कोशिका का जो निर्माण करता है वो, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये बताइए माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, शायद मैंने बताया था, नहीं बताया था, यहाँ पर जान लें। तो माइटोकांड्रिया खोज किसने की थी, तो आल्टमैन ने की थी। माइटोकांड्रिया खोज किसने की थी, आल्टमैन ने की थी। तो और फिर क्या क्वेश्चन पूछता है, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा हाँ एसडीओ, ये सारी चीज़ें होंगी। चौथा हमने क्या पढ़ा, चौथा हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा था, जिसका खोज किसने किया था, तो कैमिलियो गोल्जी ने किया था, जिसे सी गोल्जी बोलते हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर ये दो टाइप का होता है, एक होता है गोल्जी अपैरेटस जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, दूसरा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं गोल्जी जटिल, है ना। यह किस में पाया जाता है, तो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किस प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है, तो जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, द्विबीजी होते हैं। जैसे डाई का मतलब दो, कॉटिक कॉटिक का मतलब होता है कवरिंग्स यानी कि दो कवर हों, और लेडन्स का मतलब होता है सीड्स यानी कि जो दो बीज से क्या हो, घिरे हुए हों, ठीक। इसका एग्जांपल क्या था, चना मटर राजमा, ठीक। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल क्या करता है, तो सेंट्रियोल कोशिका का विभाजन करता है। किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका का विभाजन करने से क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है एनिमल्स का यानी कि जंतुओं में, जानवरों में या फिर सब में जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, तो सेंट्रियोल की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि सेंट्रियोल कोशिका को विभाजित कर देता है, ठीक। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज अब छठवां जो हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका लाइसोसोम। यह क्या है, यह आपका लाइसोसोम, ठीक। और हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसे कहते हैं लाइसोसोम ही, ठीक। तो इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइसोसोम के बारे में हम जान जाते हैं ये क्या करता है। तो जो लाइसोसोम होता है, जो लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है इसका पहला ही पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन यानी ये क्या करता है, ये पाचन क्रिया में मदद करता है। क्या करता है, ये पाचन क्रिया में मदद करता है। तो पाचन क्रिया में मदद कौन करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का थोड़ा सा सुन लें। देखिए कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार भूख बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन क्या होता है कि आपका खाना देकर खाने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि लाइसोसोम भाई साहब अपना काम कर रहे होते हैं, हाँ ठीक। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी होता है ना कि जब भूख बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन घर में खाना ना बना उस टाइम पे, थोड़ा सा देर से बनता है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि भूख थोड़ा कम लगता है, फिर खाने का मन उतना नहीं करता। यानी जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो उस टाइम आप जितना खाना खा सकते हो उसके एक घंटे बाद अगर आपको मिल रहा तो उतना खाना आप नहीं खा सकते, है ना। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब आपका भूख लगता है और खाने का मन करता है और खाना आपको टाइम से नहीं मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा दिन तक आप मतलब लापरवाही से रहते हो खाना नहीं मिलता, या फिर अगर किसी का फास्ट वास्ट है तो उन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता, तो जो लाइसोसोम होता है ना ये क्या करता है, हमारे जो सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन्हें पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देता है, ठीक। इससे होता क्या है, उससे होता ये है कि हमारा खाना खाने का मन नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमारा जो पेट है वो ये भाई साहब भर लेते हैं, ठीक, जिसकी वजह से हमारा खाने खाने का मन नहीं होता। और ये बताइए जब ये हमारे सेल्स को निगल रहा है या फिर खा रहा है तो ऐसे आपको लग रहा है कि यार पेट मेरा भरा भरा लग रहा है ना, तो खाने का मन करता नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, यानी इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसे आत्महत्या की थैली हम क्यों कहते हैं,
तो इसे आत्महत्या की थैली एम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जितने भी सेल्स हैं उन्हें खा खा करके एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें क्या करता है, इकट्ठा करता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब भाई साहब बहुत ज़्यादा पेट भर लेते हैं तो ये फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसीलिए इस सेल को एटम बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इसलिए से क्या नाम जाना था, परमाणु बम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से परमाणु बम किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित में से एटम बॉम किसे माना जाता है। तो वो आपका क्या है, लाइसोसोम है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है और क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया मदद करता है। उससे होता क्या है कि एक थैली नुमा संरचना होती है उसमें वो क्या करता है, इकट्ठा करते जाता है, इसीलिए सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। फिर एक टाइम आता है एटम बॉम्ब यानी कि फट जाता है। जैसा आप देखते होंगे कि बहुत सारे बंदे जिम में जाते हैं, तो जिम में जाते हैं तो खूब प्रोटीन्स लेते हैं, पीते पीते रहते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है थोड़ा सा ग्रो अच्छा कर जाता है, मस्त फूल जाता है शरीर, है ना। लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो जिम छोड़ देते हैं तो उनका जो शरीर था वो पहले से और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए एक जैसे जब हम कोई जिम जाता है उसके पीछे एक रीज़न है। अगर कोई जिम जा रहा है, वो जिम कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वो मेहनत कर रहा है तो उसे भूख लग रही है तो वो सारी चीज़ों को खा रहा है। लेकिन क्या होता है, जब जिम आप छोड़ दीजिए तो खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वर्कआउट हम कुछ कर ही नहीं रहे, जब मेहनत करेंगे नहीं तो भूख लगेगा कहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना जो उस टाइम ज़्यादा खाते हैं जिम छोड़ने के बाद कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूख कम लगने लगता है, अरे भाई साहब कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा होता है और शरीर जो पहले से और भी ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। ठीक, तो ये तो था आपका लाइसोसोम। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक चीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं एंजाइम, एक चीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बताएंगे। तो लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें यानी कि लाइसोसोम में कुल 24 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 24 एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि लाइसोसोम में कुल मिलाकर के 24 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके वजह से डाइजेशन में यानी कि मदद करता है। और सुसाइडल बैग और एटम बॉम्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि फट जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको लाइसोसोम में जानना था। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बाकी हम आगे प्लास्टिड्स यानी कि लवक के बारे में समझ लेते हैं। तो अब अगर हम अगले सेल की बात करें तो वो है आपका सर प्लास्टिड्स। वो क्या है, ये है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, तो प्लास्टिड्स होता है सर आपका लवक। प्लास्टिड्स क्या होता है, लवक। अब लवक नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हरित लवक, जिसे बोलते हैं हरित लवक। देखिए लवक तीन प्रकार के होते हैं, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे पर्णहरित बोलते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, यानी पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, वर्डी लवक। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्डी लवक। अब वर्डी लवक और अवर्डी लवक क्या है, तो जो वर्डी लवक होता है वो रंगीन होता है। ठीक, यानी कि जैसे आप देखते हो ना कि पौधों का या पत्तियों का या फिर जो हमारे फूल होते हैं या फल होते हैं उनका नारंगी लाल पीला किसकी वजह से होता है, तो वो आपका होता है वर्डी लवक के कारण। ठीक, अब अगर हम बात कर लें अवर्डी लवक, तो अवर्डी लवक क्या होता है, तो ये रंगहीन होता है, यानी जिसमें कोई कलर नहीं होता। अब जिसमें कलर नहीं होता का मतलब क्या है, अब ऐसा कौन सा पार्ट है, तो जाहिर सी बात अगर हम बात कर रहे हैं इसका, तो क्रोमोप्लास्ट का, ल्यूकोप्लास्ट का और क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का, तो ये किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पौधों में, सॉरी ये किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। पहला पॉइंट क्या होगा, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या हो गया, अब अवर्डी लवक क्या है, यानी कि जो रंगहीन होता है, रंगहीन होने का मतलब क्या है सर, तो रंगहीन होने का मतलब है कि जैसे अगर हम मान लें कि पेड़ का जो जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है, यहाँ पर क्या आपका प्रकाश पहुँच पाता है क्या, सूर्य का, वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है, जिसके वजह से वो जो पार्ट होता है वो कलरलेस होता है, यानी उसमें कोई कलर नहीं होता, उसी को बोलते हैं अवर्डी लवक, यानी रंगहीन होता है। हरी बच्चों में जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं वर्डी लवक का, तो वर्डी लवक का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे है गाजर, गाजर में कौन सा वर्डी लवक पाया जाता है, तो वो था आपका कैरोटीन, क्या होता है, कैरोटीन होता है। और अगर हम बात कर लें सर उसका कि जो हमारे
क्योंकि पत्ते हैं तो पत्ते में, पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो पत्ते का रंग हरा का होता है क्लोरोफिल के कारण। बट अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ये बताइए कि जो हमारा पत्ते हैं, कभी कभी आप देखोगे पत्ते पीले हो जाते हैं ना, तो पीले किसके कारण होते हैं, तो पत्ते जो पीले होते हैं वो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होते हैं। किसके कारण? कैरोटीन का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। तो गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। फिर अगर हम बात कर लें टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। फिर चुकंदर की, चुकंदर में क्या पाया जाता है, बीटानिन पाया जाता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्ते होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन बना पाते हैं। तो यह क्या करते हैं, तो यह यानी कि प्लास्टिड्स जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण, यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। और एक बात बताइए, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो इनका भोजन बन पा रहा है ना। तो हम जहाँ खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। तो इसे ही कहा जाता है किचन ऑफ द सेल, यानी क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी इसे ही कहा जाता है किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो किचन ऑफ द सेल या कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, प्लास्टिड्स कहा जाता है। तो प्लास्टिड्स कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, यानी वर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक। तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक। तो ये था आपका प्लास्टिड्स। अब अगर हम अगले सेल की बात कर लें, अगले कोशिका की बात कर लें, तो वो है आपका सर राइबोसोम। वो क्या है, वो है आपका राइबोसोम, इसे कहते हैं राइबोसोम। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, राइबोसोम से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब राइबोसोम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो राइबोसोम होता है, पहला ही क्वेश्चन है, यह आवरण रहित संरचना होती है, आवरण रहित संरचना होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए आवरण रहित निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका होती है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इट इज अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, यानी कि इनका कोई आवरण नहीं होता है। तो क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन राइबोसोम में क्या पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि प्रकाश का संश्लेषण कौन करता है, प्रकाश का संश्लेषण, सॉरी माफ करें, फिर होता है कि बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, ना प्रकाश का नहीं, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो जो राइबोसोम है यह क्या करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, इसे ही बोलते हैं इट सिंथेसाइज्ड, इट सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। यानी कि क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है आपका राइबोसोम। तो पहला पॉइंट क्या है कि आवरण रहित संरचना होती है, यानी इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, यानी कि आवरण नहीं होता, रहित है, सही तो मत समझिएगा, है ना। तो आवरण रहित संरचना होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि इट सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका बन जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, प्रोटीन को क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी इट सिंथेसाइज प्रोटीन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंजन ऑफ द सेल, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंजन ऑफ द सेल। इंजन ऑफ द सेल का मतलब होता है कोशिका का इंजन कहा जाता है, कोशिका का इंजन कहा जाता है। अब कोशिका का इंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है अगर ट्रेन के अंदर इंजन ही ना, अगर ट्रेन के अंदर इंजन ही ना हो तो ट्रेन कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक। इसी तरीके से अगर प्रोटीन ही ना हो तो प्रोटीन जब ना नहीं होगा तो हमारा शरीर कैसे चल पाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये एक एक पॉइंट में जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा करके देखोगे, एसएससी के हो गए, लेखपाल के हो गए, जितने भी हो गए, आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन साइंस के बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें हम बताएंगे इसके बाहर से तो नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम कवर करा देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है।
तो होप को आपको इस चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो हमने प्लास्टिड्स देख लिया यानी लवक देख लिया, राइबोसोम देख लिया। अगर राइबोसोम के बारे में एक बात और बता दें कि इसका नाम राइबोसोम क्यों पड़ा, ठीक, इसका नाम राइबोसोम क्यों पड़ा, तो राइबोसोम इसलिए पड़ा क्योंकि वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। ये राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक। तो किसकी बनी होती है, ये आरएनए की बनी हुई होती है और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसका नाम राइबोसोम है क्योंकि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल तो राइबोसोम, तो राइबोसोम नाम क्यों पड़ा क्योंकि आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दो और सेल्स हैं जिसके बारे में बताना है, जो कि आपका है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका, और दूसरा है आपका न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं केंद्रक। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, प्लास्टिड्स तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। राइबोसोम तो आरएनए और प्रोटीन, है ना। तो राइबोसोम को अगर बोलें कि खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, तो ये किया था ब्राउन साहब ने। किसने किया था, ब्राउन साहब ने किया था, है ना। फिर ये आवरण रहित संरचना होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और इसी को इंजन ऑफ द सेल यानी कोशिका का इंजन कहा जाता है। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में बता देते हैं। अगर हम अगले सेल की बात कर लें तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या है, यह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक, अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ध्यान से देखिएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, और ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा होता है यह होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। स्मूथ को क्या बोलते हैं, स्मूथ को बोलते हैं चिकनी, क्या बोलते हैं, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। और जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं हम खुरदुरी, इसे क्या बोलते हैं, खुरदुरी प्रद्रव्य जालिका, यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका कर लीजिएगा आप, है ना, अंतः प्रद्रव्य जालिका। हम ये बात मान करके चलते हैं कि आप नोट्स बनाते होंगे सारी चीज़ों का, ना, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये क्या काम करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये क्या काम करता है, तो इसके काम कर अगर हम इसके काम के बारे में जानना चाहें तो ये बताइए। अगर हम बात करें सर स्मूथ का, तो स्मूथ क्या होता है, स्मूथ आपका होता है फैट, यानी कि जैसे आप देख ले तेल हो गया, घी हो गया, या चिकना टाइप का होता है ना। तो चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होती है यह क्या करता है, यह वसा का निर्माण करता है, यह क्या करता है, यह वसा का निर्माण करता है, ठीक। और अगर हम यहीं पर बात कर लें खुरदरी प्रद्रव्य जालिका का, तो ये क्या करता है, तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यह किसका निर्माण करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका है कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं खुरदरी प्रद्रव्य जालिका। यह क्या करता है, यह वसा का निर्माण करता है, और यह क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, होप कि आपको समझ में आया होगा। जो लास्ट वाला पार्ट हमें पढ़ना है वो है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको केंद्रक के बारे में, इस लास्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोशिका का बहुत प्रमुख अंग होता है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछे कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियस, वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, ठीक। यह कोशिका का सबसे मुख्य अंग होता है, सबसे प्रमुख अंग होता है। तो जाहिर सी बात है कोशिका का प्रमुख अंग है तो यह दोनों में पाया जाता होगा। तो यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, अब एक बात बताएं, जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, अगर मान लीजिए हमें कोई ज़ोर से थप्पड़ मारता है ना,
तो क्या होता है फिर, आपको अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो आपका हाथ अपने आप उठ जाता है उसको बचाने के लिए ना, तो ये कैसे चीज़ हो रहा है। फिर आपके पैर में चोट लग रहा था, वो तुरंत पता चल रहा है कि मेरे पेट पैर में चोट लगा है, दर्द कर रहा है, कैसे होता है तो मस्तिष्क करता है। यानी कि हमारे ब्रेन तीन प्रकार का होता है, सेरेब्रम, मेडुला और सेरेबेलम, तीन चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं की वजह से हमें क्या होता है, एक मैसेज देता है, दूसरा उसे कन्वर्ट करता है, और सारी चीज़ें इसकी क्रियाएं में होती हैं, है ना। तो हमें पैर में चोट लगता है तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, मस्तिष्क बताता है, और वही हमारे हाथ को सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, ठीक। और यह क्या होता है, केंद्रक जो होता है ये प्रमुख अंग होता है कोशिका का, या जंतु और पादप दोनों को इसका पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे हमारा मस्तिष्क होता है सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, उसी तरीके से ये होता है, इसीलिए इसे क्या कहता है, कहा जाता है इसे मस्तिष्क, या यूं कह लें कि इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है ना। यानी कि अगर बात की जाए, वन लाइनर की बात की जाए, तो ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक। यानी कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण करता है, तो जाहिर सी बात है ये भी नियंत्रित करता होगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, ठीक। अब नियंत्रण कक्ष का मतलब क्या हो गया भैया अंग्रेजी में, तो नियंत्रण कक्ष का मतलब हो गया इट इज़ नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इट इज़ नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक। क्योंकि क्या है भैया, ये मस्तिष्क माना जाता है, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क नहीं, ब्रेन ऑफ द सेल माना जाता है, इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, यानी इट इज़ नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, है ना। ये जंतु पादप दोनों में पाया जाता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसे मैं इस मार्कर से लिखता हूँ। तो इसकी खोज, यानी इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि न्यूक्लियस यानी केंद्र का खोज किसने किया था, तो वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आ रही बात समझ में। फिर बात आ जाता है कि ये बताइए जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है किसका बना हुआ होता है, तो यह डीएनए, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर हम बात करें राइबोसोम का, वो किससे बना था, तो वो आरएनए और प्रोटीन से बना था। जबकि न्यूक्लियस किसका बना होता है, तो न्यूक्लियस डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और जाहिर सी बात है, जब ये डीएनए और प्रोटीन से बनेगा तो इनके पास क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए यानी कि अनुवांशिक तत्व होता है। और अनुवांशिक तत्व डीएनए किसके पास होता है, तो माइटोकांड्रिया के पास होता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या था, न्यूक्लियस यानी कि डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, जंतु पादप दोनों को इसका पाया जाता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, यानी इट इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इसके पास खुद का अनुवांशिक तत्व यानी कि डीएनए होता है। तो ये पूरा पैकेज था आपका सेल का, यानी कि कोशिका का। तो पहले और दूसरे वीडियो को मिला करके हमने टोटल 10 प्रकार के कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, माइटोकांड्रिया, फिर हमने पढ़ा था चौथा किसके बारे में, तो चौथा हमने पढ़ा था गॉल्जी बॉडी यानी गॉल्जी काय के बारे में, फिर हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, फिर हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लास्ट में हमने पढ़ा था इनकी पढ़ा भी न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में ना। तो ये तो था पूरा आपका सेल का पार्ट। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो मैं फिर से कहूँगा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूँ कि अगले वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टार्ट करेंगे और हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे। पहला पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हम देखेंगे कि पाचन क्रिया के बारे में, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम करेंगे, क्योंकि भाई भोजन करें जाहिर सी बात निकलता भी है कुछ, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम किस बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि आपके साथ काफ़ी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और बाकी हम लोग की मेहनत और आप लोग की मेहनत मिल करके ज़रूर सक्सेस दिलाएगी एक दिन ना। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।